Hello friends, today we are going to discuss another very important topic that is structure of DNA. दोस्तों आप सभी को मालूम है DNA जो है ये एक master molecule है, एक wonder molecule है और हमारी body का सबसे important molecule है, इसलिए क्योंकि it is the storehouse of genetic information. जितना भी genetic information है दोस्तों वो हमारे DNA के पास मौजूद है. DNA कोई ऐसा नहीं कि एक खास organ के अंदर present हो, ये हमारी body की हर cell के अंदर present है. Each and every cell of our body contains इक्वल अमाउंट ऑफ DNA. ये आप सब जानते हो, ये बेसिक चीजें हैं. तो दोस्तों जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक मैप चाहिए, एक नक्शा चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी इस पूरी बॉडी को बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो नक्शा है दोस्तों, वो कौन है? वो DNA है. सारा सब कुछ DNA के अंदर लिखा हुआ है. जब शीशे के सामने हम अपनी शक्ल देखते हैं, अपने बॉडी के कैरेक्टर्स को देखते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए ये सारे के सारा जो रूप है, रंग है, ये सब दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर DNA. और ये तो केवल बाहर की बात हो गई, और अंदर बॉडी के यदि हम देखें तो जितना भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जितना भी रिएक्शंस चल रही हैं, जो भी कुछ बॉडी के अंदर हो रहा है, दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ योर DNA. तो क्यों ना इस DNA के स्ट्रक्चर को आज समझा जाए. बहुत अच्छे तरीके से आज हम लोग इसको समझने जा रहे हैं, और आई थिंक इस क्लास को करने के बाद फिर आपको किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी DNA के स्ट्रक्चर को लेकर के. ठीक है, तो ये वीडियोज अब बहुत जल्दी जल्दी आएंगे. इसके तुरंत बाद फिर मैं वीडियो डालूंगा DNA के रेप्लिकेशन का, फिर देन आफ्टर हम लोग सेंट्रल डोगमा पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस पूरी होगी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, ये सारे के सारे वीडियोस अब बहुत जल्दी आने जा रहे हैं. तो आज दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं DNA का स्ट्रक्चर. ओके दोस्तों, DNA के स्ट्रक्चर में आप लोगों को मालूम है कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों ने सुना होगा वॉटसन, जेम्स वॉटसन का नाम सुना होगा, FSC क्रिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना. इसी के अलावा विल्किंस, ये सब नाम आप लोगों ने सुने हुए हैं. और इसके अलावा एक नाम और भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रोजालिन फ्रैंकलिन का. तो ये नाम सब आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों. DNA का स्ट्रक्चर प्रपोज करने में इन सभी का बहुत बड़ा रोल रहा. वाटसन क्रिक का नाम तो हम लोग बहुत अच्छे से सुनते ही सुनते हैं, किंतु विल्किंस का नाम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. और रोजालिन फ्रैंकलिन ने दोस्तों एक्सरे डिफ्रेक्शन जो पिक्चर्स थी DNA के स्ट्रक्चर के बारे में, इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया. और 1962 में दोस्तों इन तीनों साइंटिस्ट को नोबल प्राइज अवार्ड हुआ. ठीक है, तीनों को फिजियोलॉजी का नोबल प्राइज अवार्ड किया गया. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला. तो फ्रैंकलिन को दोस्तों इसलिए नहीं मिला क्योंकि फ्रैंकलिन की उस समय डेथ हो गई थी कैंसर से, और बहुत जल्दी 38 ईयर्स की एज में ही ये यहां से चली गई इस दुनिया से, इसीलिए इनको नोबल प्राइज नहीं मिल पाया. किंतु इन तीनों को नोबल प्राइज मिला मेडिसिन का. तो ये आप लोग सब कुछ डेटा है जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए. चलिए दोस्तों अब आते हैं जो DNA का डबल हेलिकल जो मॉडल है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसको आप लोगों को समझना है. तो दोस्तों आप लोगों ने एक छोटा सा डायग्राम बना करके मैं आपको बताता हूं, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर DNA का पढ़ा होगा. ठीक है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को आज हम लोगों को डिटेल में समझना है, इसी को सारी बातें आज हम लोग करेंगे. तो पहली चीज तो दोस्तों हमें ये समझनी है कि DNA क्या है. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, यानी कि ये एक पॉलीमर है. पॉलीमर किस चीज का है दोस्तों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? ये मोनोमर्स हैं, और इनसे मिलकर के जो बड़ा स्ट्रक्चर बना है दोस्तों उसको हम क्या नाम देंगे? पॉलीमर. ठीक है, तो पॉलीमर यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं. जैसे आपके घर में कोई वॉल को आप देखो, किसी भी दीवार को आप देखें, तो ये दीवार क्या है दोस्तों? वॉल क्या है? ये एक पॉलीमर है. ठीक है ना, और ब्रिक क्या है? जो ईंट है वो क्या है दोस्तों? वो उसका मोनोमर है. जिस तरीके से ईंट के मिलाने से, ब्रिक्स के कॉम्बिनेशन से आप एक वॉल बना लेते हो, बिल्कुल उसी तरीके से मोनोमर्स को जोड़ने से, मोनोमर को आपस में मिलाने से हम लोगों को क्या मिल जाता है? पॉलीमर. जैसे ग्लूकोज एक मोनोमर है ना, जब हम उसको मिलाते हैं, मिलियंस ऑफ यूनिट्स उसकी जब हम आपस में जोड़ देते हैं, तो फिर क्या बन जाता है? स्टार्च बन जाता है, उससे ग्लाइकोजन बन जाता है, उससे सेलुलोज बन जाता है. बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अमीनो एसिड्स हैं, इनको जब आप जोड़ देते हो तो यू विल गेट पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन. और उसी तरीके से दोस्तों जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनको जब आप जोड़ देते हो तो यू विल गेट न्यूक्लिक एसिड्स, DNA और RNA. तो DNA के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दोस्तों, वो खास तरीके के, जिनका क्या नाम है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, और RNA के अंदर जो होते हैं वो होते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड्स. तो सबसे पहले दोस्तों हम एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को ही समझ लेते हैं, फिर उसके बाद पॉलीमर की बात करेंगे.
एक इंपॉर्टेंट चीज यहां आपको और बता दूं मैं कि कोई भी पॉलीमर हो उसमें जो मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं वो एक खास तरीके के बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे स्टार्च के अंदर यदि आप देखें तो ग्लूकोज यूनिट्स जो हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इन केस ऑफ प्रोटीन्स देयर इज पेप्टाइड बॉन्ड, है ना, दो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। बिल्कुल उसी तरीके से डीएनए या आरएनए यदि है तो उसमें न्यूक्लियोटाइड की जो यूनिट्स हैं दोस्तों उनके बीच में जो बॉन्ड होगा उसका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। क्यों बोलते हैं इसको फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा जब डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम लोग एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझें, है ना। सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड को समझेंगे, फिर हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को समझेंगे, फिर इनको आपस में जोड़ेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, तो फिर हमें डीएनए का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लियोटाइड की। एक जो न्यूक्लियोटाइड है दोस्तों यदि हम इसको तोड़ करके देखें तो ये हमें तीन सब कॉम्पोनेंट्स देता है। कितने कॉम्पोनेंट्स हैं, थ्री सब कॉम्पोनेंट्स। क्या क्या है ये तीन कॉम्पोनेंट्स, नंबर एक पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर आप सभी को मालूम है एक मोनोसेकेराइड है जिसमें कि पांच कार्बन है ना, फाइव कार्बन शुगर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पेंटोज शुगर, और ये एक सिंपल मोनोसेकेराइड है ना। जैसे कि राइबोज हो सकती है ये, या फिर ये डीऑक्सी राइबोज हो सकती है। राइबोज कहां होगी, आरएनए के केस में, और डीऑक्सी राइबोज कहां होगी, डीएनए के केस में, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर भी अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है दोस्तों वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस। कितना होगा दोस्तों, वन। डिफरेंट तरीके के जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उसमें से कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस किसी एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर दोस्तों प्रेजेंट होगा। और ये नाइट्रोजनस बेस क्या है, ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरी जो चीज है दोस्तों वो है एक फॉस्फेट रेडिकल। ये फॉस्फेट रेडिकल क्या है दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल एक फॉस्फोरिक एसिड है जिसको आप H3PO4 के नाम से जानते, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो ये क्या बनाती हैं, ये तीनों मिलकर के बनाती हैं न्यूक्लियोटाइड। यदि फॉस्फेट ग्रुप ऐड ना हो, यानी कि केवल ये दो चीजें हो, यानी कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये दोनों हो केवल, तो इस स्ट्रक्चर को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। तो यहां जो टी वर्ड है ना वो रिप्लेस हो जाएगा एस से, या टाइड की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, साइड, बस इतना सा फर्क है। और यदि आप इसमें फॉस्फेट ऐड कर देते हो तो फिर इट बिकम्स टाइड। तो ये आप लोगों को एक बेसिक चीज याद रखनी है, ठीक है। हालांकि हमें यहां साइड से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल टाइड से लेना देना है, तो टाइड की ही केवल हम बात करेंगे, यानी कि इन तीनों कॉम्पोनेंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए मैं स्क्रीन रब कर देता हूं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम पेंटोज शुगर को। जो पेंटोज शुगर डीएनए के अंदर प्रेजेंट है दोस्तों उसका क्या नाम है, डीऑक्सी राइबोस, है ना, ये आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले मैं एक राइबोस का स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूं, पहले राइबोस को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डीऑक्सी राइबोस हमें आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां बना देते हैं इसको, ये ऑक्सीजन है, ओके, और ये एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्या है, पेंटोज शुगर का, ओके। अब इसमें ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ध्यान दीजिएगा ये जो कॉर्नर्स है ना दे आर रिप्रेजेंटिंग द कार्बन एटम, ओके। ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया दोस्तों थर्ड कार्बन, ये हो गया फोर्थ कार्बन, और फिफ्थ कार्बन दोस्तों कहां होगा, यहां पर होगा, ओके। ये पांच कार्बन है, ये ऑक्सीजन है ना, ये कार्बन नहीं है, ये याद रखना है आप लोगों को। तो यहां आप बॉन्ड लगा सकते हैं एच ओ एच, एच ओ एच, इसी तरह से एच ओ एच, एच सी एच टू ओ एच,
ये क्या बन गया दोस्तों, एक सिंपल डायग्राम मैंने बनाया, केवल आपको समझाने के लिए मैंने आपको बनाया। आप यहां से काउंट कर लीजिए कितने कार्बन है दोस्तों, C5। हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, C5H10। और ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, 5 ऑक्सीजन हो गया। ये जो स्ट्रक्चर बना दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर, है ना। और पेंटोज में एक इसका एग्जांपल है राइबोज का। डन, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, डीऑक्सीराइबोज में क्या होगा, डी का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। यहां डी का क्या मतलब है दोस्तों, एब्सेंट, कोई चीज कम हो गई है, माइनस कर दी गई है। क्या चीज, ऑक्सी। यानी कि एक ऑक्सीजन एटम डीऑक्सीराइबोज में राइबोज के कंपैरिजन में कम होगा। क्लियर हो गई ना बात, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अब ये कमी किस जगह पर आएगी, तो ये स्ट्रक्चर तो आप लोग इजी वे में आराम से बना लेंगे, आपकी समझ में अच्छे से आ गया है। तो एक ऑक्सीजन आप इसमें से कम कर दीजिए, ठीक है। वो ऑक्सीजन में कमी कहां आएगी दोस्तों, सेकंड कार्बन, है ना। इस वाले कार्बन को आप अच्छे से पहचानिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ये जो सेकंड कार्बन है, इस पर प्रेजेंट जो दोस्तों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि OH जो ग्रुप है, इसको रिप्लेस कर दीजिए, इसमें से ऑक्सीजन हटा दीजिए, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आप रिप्लेस कर दीजिए सिंपल H से, ठीक है ना। तो OH में से आपने H को रखा, ऑक्सीजन को हटा दिया, तो एक ऑक्सीजन की कमी आ गई ना। तो ये स्ट्रक्चर अब किसका बन गया दोस्तों, डीऑक्सीराइबोज का। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, C5H10O4। तो ये क्या हो गई दोस्तों, डीऑक्सीराइबोज। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसको आप लोगों को पहचान लेना है, कहां कहां OH हैं, इनकी जरूरत आपको बॉन्ड बनाने में पड़ेगी, तो इनको भी आप लोग अच्छे से पहचान लीजिए। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। बल्कि स्ट्रक्चर को ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो नीचे OH लगाया है, इसको हम ऊपर लगा देते हैं और नीचे H लगा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, पर जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ OH, फिर यहाँ OH और फिर यहाँ OH, ठीक है ना। तो ये तीन फ्री OH आपको नजर आ रहे हैं, 1, 2 और 3। तो ये दोस्तों बन गया डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर। तो डीएनए में जब आप शुगर बनाएं तो ये वाला डायग्राम बनाना है, और यदि आरएनए के लिए यदि आप शुगर बना रहे हैं तो फिर आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, राइबोज वाला। ओके, चलिए अब आते हैं दूसरा कंपोनेंट पे, जिसका क्या नाम है, फॉस्फेट रेडिकल। तो फॉस्फेट क्या है दोस्तों, आप लोगों को मालूम है फॉस्फोरिक एसिड है। यदि फॉस्फोरिक एसिड एक्वस मीडिया के अंदर है तो उसको आप फॉस्फेट बोलोगे, है ना। तो मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। देखिए ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की कितनी वैलेंसी होती है आप सब जानते हो, 5। ओके, तो दो वैलेंसी तो ऑक्सीजन के द्वारा सेटिस्फाई हो गई। ओके, अब बची तीन वैलेंसी, तीनों पर आप एक एक OH लगा दीजिए। देखिए कितना सिंपल है, बड़ा आसान सा डायग्राम है ना। ये बन गया दोस्तों आपका फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, है ना। जब एक्वस कंडीशन होगी तो ये तीनों OH ग्रुप जो है दोस्तों, हाइड्रोजन अपना लूज कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि एसिड है ना फॉस्फोरिक एसिड, तो ये हाइड्रोजन लूज करने की इसकी टेंडेंसी होगी। तो फिर यहाँ तीनों जगह O- 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 का डायग्राम आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप अभी केवल सुविधा के लिए, केवल समझने के लिए ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लो। ओके, अब आते हैं दोस्तों हम अपने तीसरे कंपोनेंट पर, जो कि है नाइट्रोजनस बेस, है ना। तो उसके लिए मुझे स्क्रीन को थोड़ा खाली करना पड़ेगा, तो मैं बोर्ड को एक बार और फिर से साफ करके फिर आपको समझाता हूं। आइए दोस्तों अब समझ लेते हैं नाइट्रोजनस बेसेस के बारे में। जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं दोस्तों, ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन की रिंग है उसमें कार्बन के अलावा एक दूसरा सब्सटेंस भी प्रेजेंट है, और वो क्या होगा, नाइट्रोजन। एंड दैट इज व्हाई दे आर रेफर टू एज नाइट्रोजनस बेसिस। ये आप सभी को मालूम है कि नाइट्रोजनस बेसिस दोस्तों दो तरीके के होते हैं, पहले प्यूरिंस और दूसरे होते हैं दोस्तों पायरिमिडिंस। प्यूरिंस और पायरिमिडिंस जो है, ये दो इंपॉर्टेंट तरीके के नाइट्रोजनस बेसिस हैं। जो प्यूरिंस है इनका स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता देता हूं। तो प्यूरिंस में दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से आप लोगों को स्ट्रक्चर इसका याद रखना है। यानी कि ये डबल रिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। पहली चीज तो आप लोगों को ये समझ लेना है अच्छे तरीके से, ये चार
जगहों पर दोस्तों इसमें आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगी। यहाँ हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है और ये जो है दोस्तों पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, है ना। यहाँ आप बॉन्ड्स लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये यहां पर दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ हाइड्रोजन होगा, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ जो हाइड्रोजन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन है, इसकी नंबरिंग कर देते हैं दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 है और इस तरह से यहां पर 7, ये 8 और ये 9। ये जो नंबरिंग का पैटर्न है दोस्तों ये आप लोगों को ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि IUPAC सिस्टम के हिसाब से ये नंबरिंग दी गई है। और ये जो 9th वाला जो नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये शुगर के साथ, कौन सी शुगर, डीऑक्सीराइबो जो शुगर है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। दो बार ये क्वेश्चन एम्स में पूछा जा चुका है। क्या मतलब हुआ, क्या किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि प्यूरिन्स के केस में कौन से नंबर का नाइट्रोजन शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसमें ऑप्शंस दे दिया 3rd नंबर का, 7th का, 9th का या 1st का। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ये N, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों किसका है, प्यूरिन्स का। और प्यूरिन्स दो तरीके की होती है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नंबर 1 एडेनाइन। ये एडेनाइन जो है दोस्तों आप लोगों को याद होगा ATP के स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि ATP भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और दूसरा जो है दोस्तों वो है गुआनाइन, ओके। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों प्यूरिन्स की कैटेगरी में आते हैं और इस तरीके का जो बेस स्केलेटन है उसको शेयर करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों पाइरिमिडिन को। तो पाइरिमिडिन का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को समझा देता हूं दोस्तों। पाइरिमिडिन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, इसमें एक नाइट्रोजन आपको यहां देखने को मिलेगी और दूसरी जो नाइट्रोजन है दोस्तों वो आपको यहां देखने को मिलेगी, क्योंकि नाइट्रोजन रिंग का हिस्सा है, दैट इज वाई दे आर हेट्रोसाइक्लिक, ओके। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये बेस स्ट्रक्चर है दोस्तों किसका, पाइरिमिडिन का। तो यहां ये बॉन्ड यदि टूटेगा दोस्तों तो यहां H आ जाएगा, ये आप लोग समझ लीजिए अच्छे तरीके से। और ये कौन सा नाइट्रोजन है, 1st नंबर का, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th और ये 6th। तो ये नंबरिंग आप लोगों को दोस्तों विशेष रूप से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबरिंग। तो यहां पाइरिमिडिन्स के केस में जो नाइट्रोजन है वो कौन सा पार्टिसिपेट करेगा शुगर फॉर्मेशन में, N1, यानी कि ये वाला नाइट्रोजन। तो ये दोनों बात अच्छे से नोट कर लीजिए। प्यूरिन्स के केस में N9 करेगा दोस्तों, ये वाला नाइट्रोजन ये नहीं करेगा, नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, ये वाला करेगा। और पाइरिमिडिन्स के केस में ये करेगा। और पाइरिमिडिन्स के तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, पहला है थाइमीन, दूसरा है साइटोसिन और तीसरा है दोस्तों यूरेसिल। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, तीनों का बेस स्केलेटन दोस्तों यही रहेगा। अब आपको यहां एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है दोस्तों, वो ये याद रखनी है कि यदि डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं तो ये दोनों केवल आपको डीएनए में मिलेंगे, यानी कि ये जो थाइमीन है ना, ये थाइमीन जो है दोस्तों, ये थाइमीन आपको आरएनए के अंदर नहीं मिलेगा, आरएनए के अंदर आपको थाइमीन की जगह पर क्या मिलेगा, यूरेसिल। तो ओनली इन आरएनए, ये नोट कर देते हैं यहां पर। और ये किसके अंदर मिलेगा आपको, डीएनए के अंदर। तो केवल यूरेसिल और थाइमीन का अंतर है, बाकी की तीनों जो नाइट्रोजनस बेस है यानी कि साइटोसिन है, एडेनाइन है और गुआनाइन है, ये तीनों आपको डीएनए में भी मिलेंगे और आरएनए में भी मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यदि हम देखें तो डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आपको मिल सकते हैं, ए फॉर एडेनाइन, जी फॉर गुआनाइन, टी फॉर थाइमीन एंड सी फॉर साइटोसिन। किंतु यदि हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर आपको एडेनाइन भी मिलेगा, गुआनाइन भी मिलेगा, किंतु थाइमीन की जगह क्या मिलेगा, यूरेसिल और साइटोसिन भी मिलेगा। तो ये आप लोग जरा ध्यान कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए, तो इस तरीके से दोस्तों तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, आपने शुगर को भी देखा, आपने फॉस्फेट को भी देखा और अब आपने नाइट्रोजनस बेस को भी देख लिया है। तो जल्दी से अब इन तीनों का जोड़ कर देते हैं, इन तीनों को मिला देते हैं और क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ओके। जब हमें न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा फिर उसके बाद हम इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ओके। आइए दोस्तों अब इन तीनों कंपोनेंट्स को हम लोग जोड़ देते हैं और बना देते हैं एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ओके। तो सबसे पहले सेंटर में हमें क्या रखनी है दोस्तों, शुगर। ये शुगर का स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने बताया था अच्छे तरीके से, क्लियर। यहां क्या हुआ करता था दोस्तों, एक OH ग्रुप था,
यहाँ हाइड्रोजन था, आप लोग देख लीजिए अपने कॉपी पे यदि आपने नोट किया हो तो, ठीक है। और यहाँ क्या था दोस्तों, CH2 और OH, ठीक है ना, ये हमारी शुगर हुआ करती थी, और यहाँ H और H और यहाँ H और OH, यही स्ट्रक्चर था ना, आपको याद आ रहा होगा। ये हो गई हमारी शुगर, ओके। अब आ जाते हैं किसी नाइट्रोजनस बेस पर, ठीक है। तो एक सिंपल सा नाइट्रोजनस बेस ले लेते हैं दोस्तों, केवल बेस स्केलेटन में बना रहा हूं यहां पे, ठीक है। ये एक बेस स्केलेटन मैंने यहां पर बना दिया है, ठीक है। ये एक पायरिमिडिन है, ठीक है, एक पायरिमिडिन को बना दिया, एक नाइट्रोजनस बेस हमने यहां पर समझाने के लिए बना दिया है। यहां आप चारों में से कोई भी नाइट्रोजनस बेस ले सकते हो, ओके। अब ये हो गया दोस्तों फॉस्फोरिक एसिड, याद आ रहा है आपको, एक फॉस्फोरस से तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो तीनों कंपोनेंट्स दोस्तों अपनी अपनी जगह पर रखे हुए हैं। ये हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर है, आप देख लीजिए ये डीऑक्सीराइबोज है, क्योंकि सेकंड कार्बन पर यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, है ना। तो ये पहचान का तरीका है कि ये राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है। फिर ये आपका हो गया नाइट्रोजनस बेस, और ये हो गई आपकी फॉस्फेट। अब देखिए क्या होगा, जिस समय बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो दोस्तों यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने जिस पोर्शन को सर्किल किया है इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा H2O, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और जब वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा दोस्तों, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यानी कि ये जो शुगर है ये फिर सीधा नाइट्रोजन से जुड़ जाएगी, ठीक है। इस बॉन्ड को दोस्तों हम कहते हैं, वैसे तो सिंपली इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल दीजिए, बेटर नाम है इसका बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि शुगर जब भी बॉन्ड बनाती है तो दोस्तों ग्लाइकोसिडिक वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है ना, और नाइट्रोजन के साथ बना रही है, दैट्स व्हाई इट इज रेफर टू एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बेटर नाम क्या हो गया इसका, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। तो इस तरीके से दोस्तों नाइट्रोजनस बेस जो है वो शुगर के साथ एड अप हो गया। अब इधर देख लेते हैं, तो यहां आप देख रहे हैं कि एक जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ठीक सामने है किसके, शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, जो फिफ्थ कार्बन एटम पर अटैच्ड है। ये कौन सा वाला कार्बन था दोस्तों, फिफ्थ, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये फिफ्थ कार्बन जो है दोस्तों इसका, देखिए याद करना, आप भूल मत जाना, नाइट्रोजनस बेस कौन सी शुगर से जुड़ा है, शुगर से मतलब कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखिए C1 से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नाइट्रोजनस बेस C1 से, और फॉस्फेट ग्रुप जो है दोस्तों ये C5 से एड होगा, ठीक है ना। तो C5 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रिएक्ट करेगा और यहां से दोस्तों एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, देखिए समझ में आ रहा है आपको, ये जो पोर्शन मैंने एनसर्किल किया है इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल को हटा देते हैं, ठीक है, तो बची क्या दोस्तों, ऑक्सीजन बची ना, इस ऑक्सीजन को हम सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया दोस्तों, क्या, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, क्या बना ये, सिंगल दोस्तों। एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि ये जो बॉन्ड है इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें डाई जैसी कोई चीज नहीं है। कुछ बुक्स में इसको हाफ फॉस्फोडाइस्टर वगैरह दे रखा है, बट उस चक्कर में आप लोग मत पड़िए, सिंपल ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको आप ऐसे ही याद रखिए, है ना। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अभी बाद में बनेगा, जब बनेगा तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उसका स्ट्रक्चर भी बतलाऊंगा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर दोस्तों बना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, कौन सा वाला न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ओके। अब इस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में दोस्तों कौन सा नाइट्रोजनस बेस यूज हुआ है, उसके बेसिस पर चार डिफरेंट तरीके के नाइट्रोजनस ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये हो सकते हैं। तो चार तरीके के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। एक वो जिसमें एडिनाइन है ना, तो एक इनके लिए हम सिंप्लीफिकेशन, एक डायग्राम यूज, सिंप्लीफाइड डायग्राम यूज कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, तो यहां हम लिख देते हैं ए, और ये हो गया दोस्तों पी। तो आप लोग याद जरूर रखना दोस्तों, कई बार गलती से हम लोग क्या करते हैं, पी को सीधा इससे जोड़ देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है ना, ये चीज गलत है। यदि हम ऐसा कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉस्फेट सीधा फोर्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ, तो जुड़ा किससे है, फिफ्थ से, ओके। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इस फॉस्फोरस को आपको फिफ्थ कार्बन से जोड़ना है और शुगर को आपको फर्स्ट से जोड़ना है। इसी तरीके से दोस्तों आप ए को रिप्लेस कर सकते हो किससे,
इसी तरह से आप दूसरा बना सकते हो साइटोसिन, इसी तरीके से आप ग्वानिन का बना सकते हो दोस्तों, और बिल्कुल इसी तरीके से आप बना सकते हो थाइमीन का, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चार तरीके के नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं ये डीएनए के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब इन नाइट्रोजनस बेस को यदि हम न्यूक्लियोटाइड्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को दोस्तों यदि हम जोड़ दें आपस में तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट अ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। बिल्कुल जैसे जब हम अमीनो एसिड्स को जोड़ते हैं तो वी गेट पॉलीपेप्टाइड चेन, बिल्कुल उसी सेंस में यदि हम न्यूक्लियोटाइड्स को एडअप करेंगे तो वी विल गेट पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, तो कैसे बनेगी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन वो मैं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं इस चीज को। सबसे पहले हम लोग यहां एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, ओके, और सपोज करें कि ये एडेनाइन वाला है, ओके, ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप, ये हो गया दूसरा, सपोज करें कि ये सी है, इसी तरीके से हम तीसरा ले सकते हैं और माना कि ये टी है, कोई भी हो सकता है, ये तीनों अभी अलग अलग है, ओके। अब मैं आपको इस ये वाला जो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके बीच में आपको एक बॉन्ड लगा करके दिखा रहा हूं, और इस बॉन्ड का क्या नाम होगा दोस्तों, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, पहले ही बता दिया आपको। अब आप लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से बनेगा। अब देख यदि हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर लिख लेते हैं दोस्तों, ये तो सिंपल डायग्राम है ना, इसका एक डिटेल स्ट्रक्चर यदि हम बनाए तो दोस्तों वो क्या बनेगा, पी यहां ऑक्सीजन था आप लोग याद करिए, और एक OH ग्रुप यहां पर था और एक ओ जो शुगर के साथ जुड़ा हुआ था, है ना, आपको याद आ रहा होगा यहां पर हमने बॉन्ड लगाया था, और एक OH दोस्तों अभी यहां खाली है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, यहां कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब इससे पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन की पोजीशन देखते हैं। ये वाला न्यूक्लियोटाइड है, इसको देखिए आप, इसका थर्ड कार्बन कौन सा होगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, तो ये कौन सा हुआ थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, नंबरिंग हर समय आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये थर्ड कार्बन पर आप लोगों को याद आ रहा होगा एक OH ग्रुप हुआ करता था, सेकंड कार्बन पे नहीं था क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, आपको याद होगा सेकंड कार्बन से OH ग्रुप हमने हटा लिया था, किंतु थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप अभी प्रेजेंट है, ओके। तो ये वही OH ग्रुप है जो कि थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है, बहुत गौर से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए, किसी भी न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि ये वाला अपने से पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, देखिए ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, ओके, और एक वाटर मॉलिक्यूल दोस्तों यहां से निकल जाएगा। देखिए जिस पोर्शन को मैंने एनसर्कल किया हुआ है वो पोर्शन जो है उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा। अब इस वाटर मॉलिक्यूल को दोस्तों यदि हम बाहर निकाल दें तो क्या बना, ये ऑक्सीजन रह गई ना, और इस ऑक्सीजन को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, और ये जुड़ गई किसके साथ दोस्तों, आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ, और इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। इस बॉन्ड को दोस्तों हम क्या नाम देंगे, दिस बॉन्ड इज रेफर टू एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्लियर हो गई। तो मैं इसको आपको एक दूसरे कलर की चौक से लिख करके बताता हूं, तो ये जो बना दोस्तों बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी बॉन्ड बन जाएगा। अब ये एक सिंपल प्रेजेंटेशन हो गया है ना, ये तो डिटेल मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन हो गया, किंतु हम इतना दोबारा से नहीं बना रहे, केवल मैं समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूं कि ये फॉस्फेट जो है एक तरफ तो शुगर के थर्ड कार्बन से जुड़ा होगा और दूसरी तरफ अगले वाले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से जुड़ा होगा, है ना। तो ये इस तरीके से एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दोस्तों बन जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। इसको फॉस्फोडाइएस्टर क्यों बोल रहे हैं, देखिए POO आ रहा है ना, और COO क्या होता है दोस्तों, याद आ रहा होगा आपको, इसको एस्टर बोलते हैं ना COO ग्रुप को, तो उसी तरीके से ये क्या है, फॉस्फोरस का एस्टर हो गया दोस्तों, है ना, POO आ रहा है ना, और इसने दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा हुआ है, समझ में आ रही है आपको। जैसे कोई स्ट्रक्चर जिसमें दो अमीनो एसिड हो तो आप उसको क्या नाम बोलोगे, डाइपेप्टाइड बोलोगे ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से दो न्यूक्लियोटाइड को ये होल्ड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज गिवन द नेम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अब आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ओके। तो ये बन गई दोस्तों एक चेन
जैसे आपने ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा है, इसी तरीके से आप 10 को भी जोड़ सकते हो, इसी तरीके से आप 1000 को भी जोड़ सकते हो, और इसी तरीके से आप मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को भी आपस में जोड़ सकते हो और एक चेन बना सकते हो लंबी। ओके, ये जो चेन बनेगी ना दोस्तों, याद रखना है आपको, ये जो लंबी चेन बनेगी, इस चेन में एक पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर पोलर हो, इसका क्या मतलब है? पोलर स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए? पोलर स्ट्रक्चर वो होता है जिसके दो जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जिनको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोलर। जैसे मैचिस स्टिक आपने देखी होगी, माचिस की जो तीली है वो आपने देखी होगी, उसमें एक साइड में मसाला रहता है उसका, है ना, जिसको आप जलाते हो, रब करते हो। यदि हम उसको काट करके निकाल दें ब्लेड से, तो क्या आप बता सकते हो हेड कौन सा है और टेल कौन सी है? नहीं बता सकते ना, क्योंकि अब ये नॉन पोलर हो गया। किंतु इस पे एक जब तक मसाला लगा हुआ था, तब तक आप इसको कितना भी उलट पुलट लो, फिर भी आप बता दो कि ये वाली साइड लेफ्ट है और ये वाली साइड राइट है। ओके ना, हेड और टेल उसके आप बता सकते हो। तो जब हम दोनों पोल्स को अलग अलग एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो वो स्ट्रक्चर हो जाता है पोलर, और जब नहीं कर पाते तो इट बिकम्स नॉन पोलर। तो जो हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी दोस्तों, ये जो चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हालांकि अभी इसमें केवल 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हम मान के चल रहे हैं यहां बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, है ना, तो ये क्या बन गई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसकी पोलैरिटी है, एक जो एंड है इसका, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? 5' एंड या 5' एंड, और दूसरा जो एंड है इसको बोलेंगे हम 3' एंड या 3' एंड। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ये जो चेन है दोस्तों 5-3 डायरेक्शन, ओके, ऊपर से नीचे की तरफ। अब यहां कभी कभी स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है कि सर ये कैसे पता लगाएं कि 5 साइड कौन सी है और 3 साइड कौन सी है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग सबसे पहले यहां देखो, इस वाले सिरे को देखो, इस वाले न्यूक्लियोटाइड को देखो, लास्ट में तो यही है ना, सबसे पहला यही है। आप देखो क्या इसका 5वां कार्बन पर जो फॉस्फेट ग्रुप है, आगे किसी से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये साइड कौन सी हो गई? 5'। किंतु इसका तीसरा कार्बन देखो, क्या ये जुड़ा हुआ है? यस, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है, तो फिर ये फ्री नहीं है, है ना, तो इसीलिए ये वाली साइड 3' नहीं होगी, ये क्या होगी? 5'। अब दूसरे लास्ट वाले पर आ जाओ नीचे से, इसको देखो, क्या इसका 5 जो कार्बन है उस पर मौजूद जो फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या आगे किसी से जुड़ा हुआ है? क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है? यस बना रहा है, फ्री नहीं है। ओके, किंतु यहां देखिए आप, इसका जो 3 है, इस पर जो प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्या ये किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा है? पीछे नहीं बना रहा, यानी कि ये फ्री है। यस ये फ्री है, तो ये हो गया 3'। तो बहुत सिंपल है ये। तो इस तरह से आसानी से आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसी भी हो, इजीली पता लगा सकते हो कि इसका 5' एंड कौन सा है और 3' एंड कौन सा है। ओके, अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसमें कितनी चेन्स होती हैं? 2 चेन्स होती हैं, ठीक है ना, और दोनों जो चेन्स हैं, एक 5'-3' रहती है और दूसरी जो होती है दोस्तों वो 3'-5' रहती है। ओके, दो चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रन करती है, ठीक है। तो वही स्ट्रक्चर मैं आपको यहां पर बना करके दिखा रहा हूं, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपके। बार बार रब नहीं कर रहे हैं, यहीं पे बना देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं छोटा छोटा बनाऊंगा, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। 4 न्यूक्लियोटाइड लेकर के चलते हैं दोस्तों, 4 न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि स्पेस कम होता है बोर्ड पे, तो आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। ये इसका फॉस्फेट ग्रुप हो गया, और ये इसका नाइट्रोजनस बेस हो गया। ए ले, कोई भी ले सकते हैं आप, इसमें कोई अभी ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ए के बाद सी आएगा या सी के बाद जी आएगा, यह कोई भी आ सकता है एज पर द जेनेटिक कोड्स, जिनको कि अभी बाद में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है दोस्तों न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और ये इनके बीच का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है दोस्तों। तो इस तरीके से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, सबको समझ में आ रहा होगा। अब हमें दूसरी चेन बनानी है दोस्तों, ठीक है। दूसरी चेन जो है ये पहली चेन की जस्ट अपोजिट है, उल्टी डायरेक्शन में, तो मुझे तो उल्टी बनानी पड़ेगी, पर आप लोगों को मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, यदि कॉपी पे आप बनाएं तो आप कॉपी को उल्टा करके सीधा बना दो, तो उससे आपकी वो अपने आप से अपोजिट बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब हम यहां ये 5th कार्बन हो गया, और ये आप इसके बीच में बॉन्ड लगा दीजिए दोस्तों, ये बन गई आपकी चेन, और ये नाइट्रोजनस बेस बनाना है आपको, ठीक है।
अब इस बेस में क्या नाम लिखेंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज है, इसको आप लोगों को यहां ध्यान रखना है। यहां मन मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते, इस पे तो आप कर सकते हो, इस पे आपको नहीं करना है। पूछे क्यों? क्योंकि यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो है चारगाफ रूल, है ना। चारगाफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल प्रपोज किया कि एडेनाइन जो है ये केवल पेयर अप हो सकता है टी के साथ और इनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। इसी तरह से वाइस वर्सा, थाइमिन एडेनाइन के साथ और एडेनाइन थाइमिन के साथ, यानी कि एक प्यूरिन और एक पाइरिमिडिन, ठीक है ना। और इसी तरीके से जी जो है दोस्तों ये सी के साथ पेयर अप होगा और सी जो है वो जी के साथ पेयर अप होगा और इनके बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ये थंब रूल है, इसको आप लोग याद कर लो, यानी कि जितना प्यूरिन है आपके पास बिल्कुल उतना ही पाइरिमिडिन होगा, यही चारगाफ रूल है। यानी कि डीएनए के अंदर ये दोनों जो है इक्वल कंटेंट होंगे दोनों के, प्यूरिन और पाइरिमिडिन के। तो ये अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, ओके। क्योंकि ए हमेशा पेयर अप होगा थाइमिन के साथ, तो ये प्यूरिन है तो ये पाइरिमिडिन, तो इक्वल हो गए ना। और इसी तरीके से ये प्यूरिन है ये पाइरिमिडिन है तो ये भी इक्वल हो गए। तो टोटल प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल पाइरिमिडिन, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, तो ए के सामने क्या आना चाहिए? टी। सी के सामने जी, जी के सामने सी और टी के सामने दोस्तों क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। और ये साइड क्या हो जाएगी दोस्तों? 3 प्राइम और ये हो जाएगी 5 प्राइम। तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दोस्तों आपके सामने बन के आ गई। आइए दोस्तों अब मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक अट्रैक्शन फोर्सेस है ना। आप इसको ऐसे समझिए कि जब हाइड्रोजन के सामने कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आप लोग सब जानते हैं, वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर होती है, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जैसे ऑक्सीजन है, जैसे फ्लोरीन है, जैसे क्लोरीन है या जैसे नाइट्रोजन है। तो अब यहाँ डीएनए में तो हमारे पास ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है ना। तो जब भी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के सामने हाइड्रोजन आएगा, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में एक वीक इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कभी स्पेशली आप लोगों को एक वीडियो बना करके डिटेल में बताएंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को दोस्तों हमेशा एक सॉलिड लाइन की जगह डॉटेड लाइन से ही शो किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा साइटोसिन और ग्वानाइन है दोस्तों, क्योंकि चारगाफ रूल के हिसाब से आप लोगों को मालूम है साइटोसिन हमेशा पेयर अप होगा ग्वानाइन के साथ, तो साइटोसिन और ग्वानाइन के बीच में यदि थ्री डायमेंशनली हम लोग देखें तो तीन पोजीशन ऐसी आती हैं जहां पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के सामने हाइड्रोजन आ रहा है ना। तो वहां इनके बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एस्टेब्लिश हो जाएंगे। किंतु थाइमिन और एडेनाइन के केस में दोस्तों केवल दो ही पोजीशन ऐसी बनती हैं जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के सामने हाइड्रोजन है, तो वहां पर केवल दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स एस्टेब्लिश होंगे। तो आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहां दो क्यों बन रहे हैं और यहां तीन क्यों बन रहे हैं। तो ये एकदम दिमाग में अपने अच्छे से फिक्स कर लीजिए कि साइटोसिन और ग्वानाइन के बीच में तीन पोजीशंस ऐसी हैं जहां हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं, और थाइमिन और एडेनाइन के केस में दो पोजीशंस ऐसी हैं जहां हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग बना दीजिए, एडेनाइन और थाइमिन के बीच में आपको दो बनाने हैं और ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में आपको तीन बॉन्ड बनाने हैं, है ना। तो इस तरह से जल्दी से आप लोग बॉन्ड लगा दीजिए। तो ये क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया आपका डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको कि वाटसन एंड क्रिक ने समझाया था। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अब होता क्या है दोस्तों यहां पे कि ये जो स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की वजह से बीच बीच में इसमें क्या डेवलप हो जाते हैं दोस्तों? कर्व्स डेवलप हो जाते हैं, और उन कर्व्स की वजह से दोस्तों ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ट्विस्ट हो जाता है, ये घूम जाता है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे स्पाइरल, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे लैडर होती है ना, नायलॉन की लैडर जो है उसको आप ऐसे पकड़ करके घुमा दें, एक ट्विस्ट कर दें, तो या जैसे आपने एक स्पाइरल लैडर केस देखा हो या स्टेयर केस देखा हो आपने, आयरन के बने हुए आपने स्टेयर केसेस बड़े बड़े होटल्स वगैरह में देखे होंगे, इस तरह से घूमे हुए रहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर बन करके हमारे सामने आ जाएगा दोस्तों, जिसको कि हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है वाटसन एंड क्रिक ने जो दोस्तों प्रपोज किया, इसको हम कहते हैं बीडीएनए। क्या बोलते हैं इसको? याद रखिएगा आप लोग, बीडीएनए, ओके। इसके अलावा दूसरे तरीके के डीएनए भी मिलते हैं, जैसे एडीएनए है, जेडडीएनए है, इनके बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को यहां पर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्विस्टिंग के बाद ये मॉलिक्यूल कैसा लगेगा, कैसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहां पर जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देगा वो इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, ओके। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों,
ये क्या है बेसिकली, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना। एक ये चेन जो है ये 5 प्राइम है, तो ये घूम करके आएगी नीचे, तो दोस्तों ये क्या बनाएगी, 3 प्राइम, तो 5 टू 3 हो गई है। ओके, दूसरी जो चेन है दोस्तों, क्योंकि ये एंटी पैरेलल होती है, तो ये 3 साइड होगी है ना, और ये 5 साइड होगी या 5 प्राइम एंड होगा। तो इस तरीके से डीएनए का एक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देगा। एक छोटा सा पोर्शन केवल मैंने आपको समझाने के लिए यहां बना करके दिया है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, बेस पेयर्स। ये वर्ड जो है दोस्तों, शॉर्ट में इसको बीपी भी बोलेंगे हम, तो बीपी फॉर बेस पेयर। तो ये वर्ड जो है बार बार यूज होगा दोस्तों। तो बेस पेयर का मतलब क्या हुआ, ये दोनों मिलाकर के बोलेंगे पेयर। पेयर में दो चीजें होती है ना, तो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं दोस्तों, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, एक ये और एक इसके सामने वाला, इन दोनों को मिलाकर के, यानी कि ये दोनों, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये एक बेस पेयर हो गया। ओके, तो ये चीज क्या है दोस्तों, ये जो लाइन हमने शो किया, ये लाइन क्या है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यानी कि ये चीज है। दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच को हमने एक सॉलिड लाइन से यहां रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग समझ लीजिए किस तरीके से है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसको पूरा बना सकते हो, बुक में से देख करके आप इसका एक अच्छा सा डायग्राम बना सकते हो। एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो डिस्टेंस है बेस पेयर्स के बीच में दोस्तों, ये फिक्स रहती है। ऐसा नहीं है कि यहां आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, यहां आपको कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनली ट्विस्टेड है। तो जब आप उसको 2D कागज पे बनाओगे या स्क्रीन पे या बोर्ड पे बनाओगे, तो वो आपको ऐसे ही छोटा बड़ा दिखाई देगा। इनफैक्ट ये इस तरह से घुमा हुआ है, यानी कि ये जो मीन एक्सिस है, इसके अलोंग ये जो बेस पेयर्स हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पर है ना, इस तरीके से घूमता हुआ आ रहा है पूरा स्ट्रक्चर ट्विस्टेड। आई थिंक मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है BDNA, और वॉटसन एंड क्रिक और विल्किंसन का जो स्ट्रक्चर है वो BDNA का ही स्ट्रक्चर है। तो इसमें इसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो हम और आप समझ लेते हैं। पहली चीज तो आपको मैं एक बता दूं कि यहां आप देखिए, यहां एक आपको ज्यादा गहरी ग्रूव दिखाई दे रही है। ये ग्रूव आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, इसको बोलते हैं दोस्तों मेजर ग्रूव। क्या बोलते हैं इसको? और ये जो ग्रूव है दोस्तों, ये छोटी सी ग्रूव है, इसको क्या बोलेंगे हम, माइनर ग्रूव। तो ये मेजर और माइनर ग्रूव का बार बार इस्तेमाल होगा। तो एक टर्न को हम कौन सा मानेंगे, यानी कि यहां से शुरू होकर के पूरा जो एक टर्न आएगा, 360 डिग्री का एक टर्न होगा है ना। तो 360 का एक जो टर्न होगा दोस्तों, उसको यदि हमें इस डायग्राम में देखना हो तो वो कौन सा होगा, यानी कि दो सक्सेसिव मेजर ग्रूव्स के बीच का या दो सक्सेसिव माइनर ग्रूव्स के बीच का, ठीक है ना। दो, कोई एक माइनर लीजिए आप, मान लीजिए कि यहां से ले लेते हैं हम एक माइनर, तो इस माइनर से दूसरी माइनर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये एक टर्न की डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं दोस्तों हम डीएनए की पिच। क्या बोलते हैं इसको, पिच, यानी कि एक टर्न में जितनी लेंथ कवर हो रही है डीएनए की, दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ द डीएनए। और बीडीएनए में दोस्तों ये जो पिच है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3.4 नैनोमीटर। यूनिट आप लोग जरूर याद रखिएगा, कुछ बुक्स में एंगस्ट्रॉम में भी दे रखा है, तो एंगस्ट्रॉम में आप लोगों को दोस्तों नहीं पढ़ना है, क्योंकि आजकल सब जगह स्टैंडर्ड है नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में ही आप लोग इसको पढ़िए। तो एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो फिर आप इसको 34 बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको नैनोमीटर में ही लेना है, तो 3.4 नैनोमीटर एक ये पिच लेंथ हो गई। और इस पिच लेंथ में दोस्तों कितने बेस पेयर्स आएंगे, कितने बेस पेयर्स होंगे एक टर्न में, तो वो कितना होगा आप लोग समझ लीजिए, 10 बेस पेयर पर टर्न। ये सारा जो डेटा है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, 3.4 nm इसकी पिच लेंथ हो गई, 10 बेस पेयर एक टर्न में हो गए, यानी कि पिच में हो गए। तो ये बताइए कि दो सक्सेसिव बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी कि दो जो बेस पेयर है इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 3.4 डिवाइडेड बाय 10। ओके, सीधा सा फंडा है, आपको मालूम ही है कि 10 बेस पेयर है एक टर्न में, और एक टर्न की जो लेंथ है वो है 3.4, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, 0.34 nm। एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो ये 3.4 हो जाएगा, है ना। तो आपको नैनोमीटर में ही लेना है, तो 0.34 nm ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर, दो लगातार आने वाले बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, अब एक जो टर्न है दोस्तों वो 360 डिग्री का होता है, और उसमें 10 बेस पेयर है, ठीक है ना। तो दो बेस पेयर के बीच में जो एंगल बनेगा, जैसे आपको मालूम है ना, जैसे लेडर केस जो होता है वो ऐसे होता है ना, पहले पहली वाली जो एक सीढ़ी है वो ऐसी है, तो दूसरी वाली ऐसी होगी, तीसरी वाली ऐसी होगी, चौथी वाली ऐसी होगी, पांचवीं फिर ऐसी होगी, छठी फिर ऐसी होगी, है ना, ऐसे करके ही तो फिर एक टर्न बनेगा ना। तो दो बेस पेयर के बीच में, यानी कि दो जो सीढ़ियां हैं उनके बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कितने का होना चाहिए, ठीक है। तो 360 को डिवाइड कर दीजिए आप 10 से,
क्योंकि 10 बेस पेयर है ना एक टर्न में, तो 360 को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया 36 डिग्री का, यानी कि दो बेस पेयर के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा 36 डिग्री का। ये सब क्वेश्चंस दोस्तों कभी कभी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ये सारे पैरामीटर्स आप लोगों को पता होने चाहिए। और दूसरी खास बात क्या है कि डीएनए का जो डायामीटर है, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, जो ये पूरी हेलिक्स बन रही है, इसका जो डायामीटर है वो दोस्तों कितना है 2 nm। तो ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, दीज आर ऑल अबाउट बीडीएनए। ओके, अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं एडीएनए और जेडडीएनए की, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को आज फिनिश करेंगे। ओके, आइए दोस्तों इस टेबल की मदद से हम लोग समझते हैं कि एडीएनए, बीडीएनए और जेडडीएनए में क्या फर्क है। तो एक टेबल मैंने आप लोगों को इसलिए बना दिया कि इसको आप आसानी से अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हो। तो यहां पैरामीटर्स दे रखे हैं दोस्तों, है ना, जो बीडीएनए है ये मोस्ट कॉमन अकरेंस का है ना, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आपको बीडीएनए ही मिलेगा। एडीएनए और जेडडीएनए रेयर अकरेंस के हैं, है ना, ये वाटर स्कार्सिटी वाले केसेस में, डिहाइड्रेशन की कंडीशंस में डीएनए ऐसा स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है, ठीक है ना, और ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में आपको मिलेगा। तो ये जो जेडडीएनए है दोस्तों, इसको कहते हैं जिगजैग डीएनए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा रहता है, इसीलिए जिगजैग पैटर्न शो करता है। तो इनके कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए। देखिए बीडीएनए के जो पैरामीटर्स हैं मेन वो तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताई चुका हूं कि 3.4 nm की इसकी पिच लेंथ रहती है ना, जबकि एडीएनए में दोस्तों ये जो पिच की जो लेंथ है वो 2.86 है, यानी कि बीडीएनए के कंपैरिजन में एडीएनए थोड़ा सा कंप्रेस्ड है। इसका जो एक टर्न है उसकी जो लेंथ है वो केवल 2.86 nm है, तो ये आप लोगों को समझ लेना है। और दूसरा ये वाइडर भी है ना, चौड़ा भी ज्यादा है, क्योंकि इसका डायमीटर आप देखिए 8 बीडीएनए का 2 एनएम है जबकि इसका 2.6 एनएम है ना। अच्छा, जेडडीएनए का जो लेंथ है, पिच लेंथ वो काफी ज्यादा है, आप देखिए 4.4 आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये 44 नहीं है 4.4 एनएम है। तो ये आप लोग सारे डेटा को नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट एक बात और भी है, कॉइलिंग किस तरीके की है ना, राइट हैंडेड कॉइलिंग किस तरीके की होगी ऐसे, और लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग कैसे होगी दोस्तों ऐसे, क्योंकि लेफ्ट हैंड हमारा ऐसे चलेगा ना, तो ऐसे जो कॉइलिंग है फिंगर की साइड में उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड कैसा होगा ऐसा दिखाई देगा आपको, है ना, तो वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो राइट हैंडेड कॉइलिंग रहती है बीडीएनए की भी और एडीएनए की। इस मामले में दोनों जो डीएनए है, एडीएनए और बीडीएनए, दोनों इक्वल हैं, दोनों एक जैसे हैं, किंतु जेडडीएनए दोस्तों लेफ्ट हैंडेडली कॉइल्ड है। बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डायमीटर मैं ऑलरेडी आपको बताई चुका हूं, इसका 2 एनएम है, इसका 2.6 एनएम और इसका 1.8 एनएम, यानी कि ये लंबा भी है और थोड़ा पतला भी है, ठीक है ना, जबकि एडीएनए चौड़ा है और छोटा है, कंप्रेस्ड है, ठीक है। और बेस पर टर्न जो है वो कितना है, इसमें 10 है, इसमें 11 है, 11 और इसमें आपको मिल रहे हैं 12, ठीक है। तो बाकी के सारे पैरामीटर आप इसी से, एंगल वगैरह सारी चीजें आप इसी से पता लग कर सकते हो। इसको आप 360 से डिवाइड कर दोगे 10 से, 360 को 10 से, या 360 को 11 से डिवाइड करोगे, यहां 360 को आप 12 से डिवाइड करके जो दो बेस पेयर के बीच का जो एंगल है उसको आसानी से निकाल सकते हो। और उसी तरीके से आप दो सक्सेसिव बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, क्योंकि पिच की लेंथ आपको दी गई है और पिच में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स भी आपको दिए गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज कॉमेंट लिख करके मुझे अपना फीडबैक जरूर दिया करो, जो जो आपको आगे मतलब कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है और क्या चीज इसमें आपको अच्छी लगी, क्या चीज आपको समझ में नहीं आई, वो सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताया करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है दोस्तों कि आपको आगे और कौन कौन से वीडियोस चाहिए वो भी मुझको जल्दी से लिख करके बताओ, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकूं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि वीडियोस दोस्तों थोड़ा जल्दी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे दूसरे असाइनमेंट्स भी हैं जिनकी वजह से यूट्यूब वाले वीडियोस थोड़े से सफर कर जाते हैं, थोड़ा सा मैं समय नहीं दे पा रहा हूं। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ब्रिंग आउट न्यू वीडियोज वेरी सून। ओके, तो नए वीडियोज बहुत जल्दी जल्दी मैं लेकर के आऊंगा। आजकल मैं एक काम और भी कर रहा हूँ कि अपना रीडिंग मटेरियल तैयार करा रहा हूँ, बहुत अच्छे नोट्स आप लोगों के लिए तैयार करा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है, सर आप प्लीज अपना रीडिंग मटेरियल दो या अपने सारे वीडियोज का एक कलेक्शन दे दो। तो वीडियोज का कलेक्शन दोस्तों अभी मेरे पास खुद नहीं है, क्योंकि वीडियोज मैं बना रहा हूँ वैसे के वैसे आपको यूट्यूब पे लगा करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी ऐसा नहीं है कि कहीं सारे वीडियोज मैंने बना करके रखे हुए हैं, तो अभी वीडियोस पूरे नहीं है मेरे पास, तो वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, किंतु बहुत जल्दी मैं अपना रीडिंग मटेरियल जरूर आपको दे दूंगा। बहुत जल्दी ये तैयार हो रहा है, इस समय प्रिंट हो रहा है, तो उसकी इंक्वायरी आप लोग मुझसे कर सकते हो, जो मेरा ईमेल एड्रेस है उस पर आप लोग मुझे मेल भेज दो, तो मैं आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, वो कैसे आपको मंगाना है, क्या उसकी कॉस्ट है, बहुत कम उसकी कॉस्ट है,
तो बायो का जो रीडिंग मटेरियल है वो बेस्ट रीडिंग मटेरियल है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। उसमें जबरदस्त इन्फॉर्मेशन है, वही इन्फॉर्मेशन है जिसकी आपको जरूरत है, अननेसेसरी उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ दोस्तों सबसे बड़ी चीज है उसकी कि एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसको पढ़ने के दौरान आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके सामने खड़े होकर के आपको बिल्कुल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग उस मटेरियल को मंगा सकते हो, पर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, लगभग 1 मंथ उसमें करीब लग जाएगा। तो आप लोग वो मटेरियल मुझसे मंगा सकते हो, उसकी इंक्वायरी आप लोग प्लीज अभी से शुरू कर दो, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को आंसर कर सकूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर ही रहे हो, प्लीज इसको करते रहो और अपने दोस्तों को बताते रहो, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और उसमें हम लोग डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट।